दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सैनी। दोस्तों, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको बता रहा हूँ हैंड टूल्स, जो हमारे घरों में जनरल यूज होने वाले टूल्स रहते हैं। दोस्तों, यदि ये टूल हमारे घर में रहेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमको घर बैठे ही मिल जाता है। बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं दोस्तों, इन टूल की सहायता से हम नहीं कर सकते। और यदि ये टूल्स नहीं रहेंगे तो हम इधर उधर भटकना भी पड़ेगा, टाइम भी लगेगा। तो ये घरों में होना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। कौन कौन से टूल्स रहते हैं, उनका क्या काम रहता है, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देता हूं दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल में दोस्तों पहली बार आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि हमारे घर में लकड़ी वाला काम करना हो तो ये आपको सा होना चाहिए दोस्तों। ये आरी रहती है दोस्तों, आरी की सहायता से हम किसी भी लकड़ी को काट सकते हैं। यदि पलंग टेबल में यदि कुछ खराब हो गया तो आप उसको जोड़ सकते हो दोस्तों। इसके बाद ये रास फाइल रहती है, यदि हमने जो भी वुडन वर्क किया उसमें यदि फिनिशिंग लाना है जैसे रास फाइल का यूज किया जाता है। ये हैक्सर रहती है दोस्तों, इसकी सहायता से दोस्तों हम इसको किसी भी चीज़ को मेटल वाले वर्क यूज़ को काट जाए। ये हैक्सर रहती है दोस्तों, पावर हैक्सर रहती है, इसको भी आरी बोलते हैं दोस्तों। इसकी सहायता से हम कुछ कर सकते हैं। ये फ्लैट फाइल रहती है, फ्लैट फाइल का यूज किया जाता है। किसी भी ऐसी वर्क पीस को काटा, यदि उसके ऊपर कुछ भी दांतेदार चीज़ें उसको रिमूव करने के लिए फ्लैट फाइल का यूज किया जाता है दोस्तों। तो इसके बाद आपको लकड़ी वाला काम, मेटल वाला काम हो जाएगा दोस्तों। इन दोनों बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। इसके बाद आपको हैमर होना चाहिए घर में। यदि कोई भी कील को ठोकना है, कील को निकालना होता है, तो इस हैमर की सहायता से आप किसी भी कील को ठोक सकते हैं। यदि टेढ़ी आड़ी हो जाती है जो किला हैमर रहता है दोस्तों, इसकी सहायता से आप उसको कील को भी निकाल सकते हो सर दोस्तों। ये भी वॉल पेन हैमर रहता है, अलग अलग टाइप के हैमर रहते हैं दोस्तों, अलग अलग यूज करने के लिए होता है। वो घरों में मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों आपके पास स्टील रूल होना चाहिए, ट्राइस्कर होना चाहिए। ये स्टील रूल और ट्राइस्कर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल रहता है दोस्तों। टेप होना चाहिए हमारे घर में, ऐसे 4 फीट 5 फीट 10 फीट मेजरमेंट करना है तो हमको इन चीज़ों की सहायता पड़ती है दोस्तों। इसके बाद घर के अंदर दोस्तों आपके ये रिंग स्पैनर सेट और ओपन स्पैनर सेट होना जरूरी होता है। ये वाले ये टूल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों। ऐसे घरों में कोई भी नट बोल्ट को टाइट करना होता है तो इन टूल्स की सहायता से आप कर सकते हैं। साइकिल खराब हो गई है, मोटरसाइकिल के कुछ पार्ट्स खराब हो गए या नट बोल्ट लूज हो गए तो उसको आसान से आप टाइट कर सकते हो, बदल भी सकते हो दोस्तों। ये ओपन स्पैनर होना और रिंग स्पैनर होना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों। और घर के अंदर प्लास और पेचकस तो आप जरूर रखना चाहिए दोस्तों। प्लास और पेचकस की सहायता से आप हर काम कर सकते हो। यदि घर की लाइट चली गई तो इस टेस्टर का भी काम करेगा। किसी नट बोल्ट को टाइट करना होता है उसकी द्वारा कर सकते हो। प्लार की सहायता से दोस्तों आप किसी भी वायर को आप आसानी से जोड़ सकते हो। यदि लाइट चली जाती है, फ्यूज उड़ जाती है या वायर कट हो जाता है तो आप आसानी से इसकी सहायता से इसको जोड़ भी सकते हो दोस्तों। नॉच प्लायर रहता है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं दोस्तों। ये जनरल इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे घरों में जो टूल्स यूज होते हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं दोस्तों। इसकी सहायता से हमारे काम कर सकते हैं। तो आपको एक तो लकड़ी वाला भी टूल्स रखना चाहिए, इसके बाद आपको जो लोहे कटने वाले टूल्स भी रखना चाहिए, हैमर भी रखना चाहिए, इसके बाद आपको स्पिनर रखना चाहिए, इसके बाद प्लार पेचकस तो होना चाहिए। तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं दोस्तों, ये आपके घरों में ज़रूर रखना चाहिए। इसकी सहायता से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं और हमको इधर उधर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।